हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेकर आई हूँ ESIC UDC रिजल्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ESIC UDC का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 19 मार्च को और स्टूडेंट अब वेट कर रहे हैं PT का रिजल्ट का, कि रिज़ल्ट कब तक आएंगे। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद आपका PT का रिज़ल्ट कभी भी अपलोड कर दिया जाएगा ESIC UDC का। तो अब मेंस का सिलेबस क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ दिन के बाद सिलेबस और वो सारे टॉपिक बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो सारे टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल कलेक्ट करके बताऊंगी, वो सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो कुछ दिन के बाद से मैं सिलेबस अपलोड करूँगी और स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि रिज़ल्ट के कितने दिन के बाद मेंस का एग्ज़ाम होने के चांसेस है। फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता दूं कि रिज़ल्ट के एक महीना के बाद 40-45 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम मेंस का होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम है, आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए, जो भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम PT का बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और जो भी स्टूडेंट का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं कुछ दिन के बाद से सिलेबस अपलोड करूँगी, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मेंस का मैं कौन कौन से टॉपिक बता रही हूँ और कैसा इसका सिलेबस है, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।